नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज में। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वाजपेयी जी को सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए ही भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही है, जिसके कारण वे अपने घर में ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। उनका चेकअप एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के देखरेख में होगा। आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टर रूटीन चेकअप घर पर ही होता था, लेकिन इस बार उन्हें अस्पताल ही ले जाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी डिमेंशिया नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। वे 2009 से व्हील चेयर पर हैं। कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। वाजपेयी 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लखनऊ से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वे बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले और अभी तक के एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता हैं। 25 दिसंबर 2024 में जन्मे वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए 1942 में भारतीय राजनीति में कदम रखा था।